Right ji, I welcome you to the Project Management Basics and Concepts course. In this course, as I have intimated you earlier, we are going to be covering it in 3 days. और उसका कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ. पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं ताकि फिर आपका भी इंट्रोडक्शन ले लिया जाए. एज यू नो माय नेम इज सुहेल इकबाल और आई एम एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम. एटलीस्ट जो इसकी सिर्फ ट्रेनिंग का पोर्शन है, आई एम डूइंग इट सिंस 2000. तो तकरीबन 2000 से ज्यादा, मतलब 2000 से अगर आप लगा लें तो मैं सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की जो ट्रेनिंग है वो इतने अरसे से करवा रहा हूँ. और उससे पेशतर जो है वो नेचुरली और भी आईटी और कंप्यूटर साइंस और ये वो सब चीजें मैं पढ़ाता रहा हूँ. सिविल इंजीनियर हूँ मैं बाय प्रोफेशन. फौज में भी नौकरी की है मैंने 26 साल. और नेचुरली बीइंग अ इंजीनियर, सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई कैरियर आई हैव बीन इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. दो एट दैट टाइम वी डिड नॉट रियली नो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते कैसे. हमें इंजीनियरिंग तो आती थी लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नहीं पता था. पढ़ाई नहीं जाती कहीं पर पाकिस्तान में. तो खैर अल्टीमेटली बाद में जब हम मैनेजमेंट साइंसेज में आए और फिर बहुत सी चीजें देखने और सुनने को मिली और PMI से इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसके बाद फिर प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझी और लोगों को भी पढ़ाई और इस तरीके के साथ. तो ये तो है जी छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन. और इसमें नेचुरली जो PMI की जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, प्रोग्राम मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल बिजनेस एनालिस्ट है, फिर रिस्क मैनेजमेंट, स्केड्यूलिंग मैनेजमेंट, एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, CABM और वगैरह वगैरह, फिर एजाइल की सर्टिफिकेशंस हैं, स्क्रम सर्टिफाइड ट्रेनर है, स्क्रम मास्टर सर्टिफाइड वगैरह वगैरह, प्रिंस 2 प्रैक्टिशनर, एक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन है जो कि यूके बेस्ड है. और इस तरीके के साथ ये सब कुछ. तो जैसे मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस का कि मैं इतने अरसे से ये प्रैक्टिस भी चीजें करता रहा हूँ अपनी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर. ऑल्दो उस वक्त फॉर्मली हम नहीं अच्छी तरह से समझते थे. और ऐसा ही होता है पूरे पाकिस्तान में कि जो लोग इंजीनियर्स हैं वो अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजर तो समझते हैं लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती नहीं है. एनीवेज, इट इज नॉट अबाउट इंजीनियर्स अलोन. किसी भी प्रोफेशन के लोग हों, बेशक आप सोशल सेक्टर से हों, बेशक आपका ताल्लुक किसी भी एरिया से हो, प्रोजेक्ट से आपका ताल्लुक बनता है. तो ये कोई इंजीनियर का काम नहीं है. एनीवेज, यहां मैं अपना इंट्रोडक्शन रोकता हूं और आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आप मतलब जी. सर, आई हैव डन माय कंप्यूटर साइंस फ्रॉम फास्ट एंड देन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड देन आई केम change my line to basically business analysis and then I did my actually I took a course of BA from you in 2017. Yeah, and 2017 then I have done my few of the certifications: Scrum Master, Advanced Scrum Master, Product Owner from Scrum Alliance, and then I did my SAFE certification, Agile SAFE. Wonderful. Certification, and then I did my Agile Coaching certification from ICF. We know that that's a organization which give certifications for the agile coaching. So now I want to gain experience and do some certification, at least the small ones, to start with the project management, to understand the project management in the core of the project management basically. Although I have done the product owner certification, but mostly we are still following the waterfall method or the mixture of agile and waterfall in our IT industry. So
So that's why I want to understand the basics of the project management as well. बिल्कुल सही है। And तो आपने तो एजाइल में इतना कुछ किया हुआ है, तो आपके लिए ये समझना मुश्किल नहीं होगा। तो देयरफॉर ये कि मतलब नेचुरली हम एजाइल की भी बात करेंगे, और वो खैर आप बहुत ज्यादा, आपको इलम भी है, लेकिन नेचुरली मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि प्रैक्टिसिंग नहीं है, एजाइल इज नॉट प्रैक्टिसिंग आपके यहाँ। जी, प्रैक्टिसिंग इट्स अ मिक्स मोड है, मिक्स मोड में चल रहे हैं हम लोग। हाइब्रिड तो वो में जा समटाइम रहे क्या होता है, वो कहते हैं कि हम तो इस तरह करते नहीं है। हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है जब उनको बिल्कुल एजाइल पे लेकर आओ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। मैं टोटली एजाइल पे किया हुआ है, अच्छा। तो मुझे वो फिर वो अंडरस्टैंड भी चाहिए कि नॉर्मल जो पीएमपी वाला प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो जी। क्या चीजें करता है। ओके। अच्छा, पीबीए आपने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, या आपने क्या मैंने बिजनेस? एग्जाम नहीं दिया था, बट आई स्टडीड पीबीए, ओके ओके। एग्जाम नहीं दिया था मैंने। मेरा ख्याल है आपको वो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम है वो तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है ही सारा, पीबीए से रिलेटेड। जी, तो चूंकि आपकी पहले तैयारी है और आपने उसको समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो मेरा मेरा आपको एडवाइस ये होगी कि अगर पीबीए को फोकस पहले कर लें तो बेहतर है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीएमपी भी कर सकती हैं, आप मतलब एनीथिंग यू कैन डू। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पाथ पे जाना चाहती हैं, लेकिन पीएमपी भी जरूर कीजिएगा। जी, तो बड़ा अच्छा सेटअप बन जाता है अगर आप पीएमपी भी हैं, आप पीबीए भी हैं और एसीपी भी हैं। और वैसे एसीपी की इतनी जरूरत तो जी नहीं रह जाती, क्योंकि आपने इतना कुछ और किया हुआ है, लेकिन वो बरसबीले तस्करा अगर एसीपी भी कर लिया जाए तो कोई खास फर्क नहीं है। जी और मैं अभी आपको दिखाऊंगा इनकी सर्टिफिकेशंस। पीएमआई जो है उसने, जैसे सेफ है, सेफ को हम ये समझते हैं कि ये काफी एडवांस्ड लेवल है एजाइल का, लेकिन अगर जरा आप गौर करें तो अंदर इसके भी स्क्रम ही है। द ओनली थिंग इज के जो जो सेफ है वो स्केलिंग को फोकस करता है, और हायर लेवल्स जो हैं उसके प्रोग्राम पे कैसे चलेगा, जी पोर्टफोलियो पे कैसे चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल फ्रॉम यू ऑर्गेनाइजेशन कैन पे से कैसे चलेगा, पोर्टफोलियो। उसको वो फोकस करता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और यही वजह है सेफ की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी की। मगर एट द सेम टाइम एक और कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च हुआ, और वो था डिसिप्लिन्ड एजाइल का। डिसिप्लिन्ड एजाइल वाले ये कहते थे कि ये जितने भी डिफरेंट मेथड्स आ गए हैं एजाइल के, ये तो जी रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगाते जा रहे हैं, प्रोसीजर ज्यादा बनाते जा रहे हैं, जबकि जो कोर स्पिरिट है एजाइल की वो है एजिलिटी, एडाप्टेबिलिटी। जी अगर आपने प्रोसीजर्स ही ट्रांसपेरेंसी बना के दे दिए तो फिर एजिलिटी कहां रही? सो एन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी एबल टू टेलर हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड। ये नहीं होना चाहिए कि वो जनाब सिर्फ स्क्रम पे चल रहा है या क्रिस्टल पे चल रहा है, किसी एक मेथोडोलॉजी पे उसको नहीं चलना चाहिए। और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा इन द हिस्ट्री ऑफ एजाइल के, आपको अपना जो तरीकाकार है एजिलिटी का वो चेंज करना पड़ता है। तो डिसिप्लिन एजाइल वालों ने कहा कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म देते हैं जिसमें कैनबैन लीन भी होगा, उसमें सेफ भी होगा, आई मीन एजिलिटी अपना स्केलेबिलिटी भी होगी, उसके अंदर तमाम मेथड्स होंगे, लेकिन एडाप्टेबिलिटी आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिसाइड करें। सिर्फ हम आपको एक डिसिप्लिन दे देते हैं कि जनाब इन बुनियादी असूलों के मुताबिक काम करना है, बुनियादी हल्के रूल्स हैं, और उसके अंदर आप स्क्रम भी कर सकते हैं, सेफ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मॉडल जो था ये बड़ा पॉपुलर हो रहा था। तो पीएमआई ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, दे एक्वायर्ड दिस कंपनी।
Now, disciplined agile is part of PMI. And PMI has added new certifications to its archive. उसमें आपने अगर सुना हो तो वैसे तो इनके पहले सर्टिफिकेशंस के नाम डिफरेंट थे, लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली उसको थोड़ा रीहैश किया है. और इस वक्त जो सबसे प्राइमरी सर्टिफिकेशन इनकी है वो है डिसिप्लिन्ड एजाइल स्क्रम मास्टर, और जो सेकंड लेवल है वो है डिसिप्लिन्ड एजाइल एडवांस्ड स्क्रम मास्टर, DASM और DASM. अच्छा, अगर ACP से मैं कंपेयर करूं, PMI ACP जो एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल एंट्री लेवल की सर्टिफिकेशन है. मतलब इवन अ फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कुड इजीली डू इट. वैसे तो DASM और DASM भी बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपने एजाइल पहले से ही किया हुआ है और सेव भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, अलायंस वाली चीजें भी की हुई है, तो मेरे ख्याल में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा. मर्जी आपकी है कि आप इस पाथ पे जाना चाहें या नहीं जाना चाहें, लेकिन एटलीस्ट डिसिप्लिन्ड एजाइल गिव्स यू अ प्रॉमिस ऑफ एडाप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द सिस्टम इटसेल्फ, तो उस हिसाब से. लेकिन चूंकि आप कह रही हैं कि आपने अभी प्रैक्टिसिंग हाइब्रिड टाइप ही कर रही हैं, तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि मोस्टली मार्केट में ऐसा ही होता है, और ये हाइब्रिड की वजह भी यही है. हाइब्रिड की वजह बहुत सारी हैं. एक्चुअली पीपल डोंट वांट टू चेंज, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट वांट टू चेंज. दे से दैट दे आर डूइंग एजाइल बट दे आर एक्चुअली नॉट प्रैक्टिसिंग एजाइल. तो दरमियान का रास्ता चाहिए होता है. इन फॉरेन एक्चुअली आई रिमेम्बर दैट आई वाज we had a client in 2011 और वो इवन वो बैंक है, डच बैंक था, और वहां पे एजाइल की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी इन 2011 इन बैंक, मैं बता रही हूँ आपको. तो और वो उसको बड़ा प्रॉपर फॉलो कर रहे थे. दे हायर्ड एन एजाइल कोच जो उनको बकायदा सिखा रहा था और बता रहा था किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन करनी है. बिल्कुल बिल्कुल. So, you know, they are actually doing agile and scrum and kanban. Lekin hamare yahan thoda sa ye problems hain, you know, at organization level, thoda sa pehle, you know, upar ke level pe hume isko samajhne ki zarurat hai. Ji ji ji, bilkul. Top level, then it comes down. Bilkul, exactly. Acha ji, abhi ye hai ki jis tarah se apne is course ko organize kiya hai, विद लिटिल अगर थोड़ी बहुत कोई हम टेलरिंग इसकी कर लेंगे दौरान कोर्स भी, तो इसको जनरली मैंने ये इस अप्रोच से चलने की कोशिश की है कि ये जैसे हमारे 45 मिनट्स के सेशन होंगे. पहला सेशन जो है वो ये हमारा गेटिंग टू नो का है, जिसमें हम आपस में इंट्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं. सेकेंड सेशन में आई विल गिव यू अ स्मॉल लिटिल एग्जाम ऑफ 50 क्वेश्चंस, वो आप सेकंड सेशन में करेंगी. उसके बाद फिर हम थोड़ी सी ब्रेक कर लेंगे 20 मिनट्स मजीद, और देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द इंट्रोडक्शन टू PMI एंड सर्टिफिकेशंस. इसके बाद एक सीरीज है, इसके अंदर हम एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसीजर्स को भी देखेंगे, इसके एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन को भी देखेंगे, PDUs और टैलेंट ट्रायंगल, ये जो 5 और 6 है, ये शायद 6 में पहले कवर करूं, 5 बाद में करूं, और फिर आज आखिर में हम एक छोटा सा ओवरव्यू PMBOK के 6th एडिशन का और 7th एडिशन का लेंगे. दोनों की जरूरत क्यों पड़ती है, वो इसलिए कि 6th एडिशन में एक डिफरेंट अप्रोच थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो कि ज्यादा प्रिडिक्टिव थी, एजाइल कम थी और एजाइल और प्रिडिक्टिव ज्यादा थी. मैं यूं कह लीजिए 70-30% का रेशो होगा. अब जब 7th एडिशन आया तो इन्होंने अपनी अप्रोच बदल ली, तरीकाकार बदल लिया, जिसकी वजह से अब ये 50-50 हो गया है. लेकिन जो तरीका 6th एडिशन को एड्रेस करने का था, 7th एडिशन से बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया. तो ये समझना जरूरी है, और आपको 6th के बारे में भी पता होना चाहिए और 7th के बारे में भी पता होना चाहिए, तब आप सही तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ग्रैस्प कर सकेंगे.
और अगर आपका इरादा आगे चलकर पीएमपी करने का है तो आपको उसमें भी आसानी हो। जी तो ये तो है जी आज का स्केड्यूल, आपको आगे का भी बता देता हूँ। कल का जो स्केड्यूल है उसमें कुछ थोड़ा सा जिक्र मैं प्रिंस टू के हवाले से करूंगा, जो कि मतलब एक मेथोडोलॉजी या एक फ्रेमवर्क है यूके बेस्ड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इसका। उसके बाद हम बात करेंगे पीएमबीओके के ऊपर वापस आ जाएंगे, और उसमें प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर पीएमओ कि क्या टाइप्स हैं, पीएमओ होता क्या है उसको देखेंगे, और थोड़ी सी डिस्कशन हमारी एक सेशन होगा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और प्रोजेक्ट चेंज कंट्रोल के ऊपर। और यहाँ हम ये वाजे करेंगे कि चेंज कंट्रोल प्रिडिक्टिव में, जो कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसमें कैसे होता है, और एजाइल में तो आपको पता ही है कि उसमें किस तरह से होता है, वो तो खैर फुली अडॉप्टेबल है। फिर कुछ टॉपिक्स हम सिक्स एडिशन के और मजीद देखेंगे, बिजनेस वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स और एंटरप्राइज नॉन प्रॉफिट फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैं सिक्स एडिशन से बात कर रहा हूँ, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वगैरह। अच्छा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सेवेंथ एडिशन में रिपीट होती हैं, तो नेचुरली हमने जब पहले ही पता है उन चीजों का तो हम उनको डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। और थर्ड डे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसके अंदर हम दो बातें, एक तो हम एजाइल को देखेंगे, स्क्रम को देखेंगे, थोड़ा सा नॉलेज एरियाज और प्रोसेसेस जो सिक्स एडिशन की थी उनको देखेंगे, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो जाती हैं जब हम पीएमबीओ के सेवंथ में आते हैं, और फिर सेवंथ एडिशन में ये चीजें मैप कैसे होती हैं। ये पर्पज इस कोर्स का नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में सेवंथ एडिशन को कवर करें, लेकिन कम अज कम जो इसकी सिस्टम और वैल्यू डिलीवरी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं और परफॉर्मेंस डोमेन्स वगैरह हैं, उनको हम थोड़ी थोड़ी एक एक मॉड्यूल में उनको कवर करें। तो इस तरह ये तो हो गया आपका ये तीन दिन का सेशन, लेकिन मैं ये कहता चलूं जो मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड किया है, अगर आप वो देखें तो वो मुकम्मल पीएमपी का, या जिसे कहते हैं ना फुली एलेबोरेटेड सॉल्यूशन है, और पीएमपी ही की स्लाइड्स मैंने आपको दी। अगर आप आगे चलकर पीएमपी की तैयारी करना चाहें तो ये मटेरियल आपके लिए काफी है। ऑल्दो आपने देखा कि इन तीन दिनों में हम वो सारा मटेरियल कवर नहीं कर रहे, क्योंकि ये पीएमपी का कोर्स नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो एडवांस चीजों के बारे में, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, हम बल्कि जहां आप कहेंगी उस डिटेल में जाने को तैयार हैं। अगर आपको स्केड्यूलिंग के बारे में कुछ समझना है, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं कि एजाइल में किस तरह से ये सब कुछ होगा, तो उनको भी हम एड्रेस कर लेंगे जी। तो इस कंटेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन है जी आपका? नहीं सर, कंटेंट के हम करते जाएंगे तो फिर क्वेश्चन आते जाएंगे, हम जैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अभी खैर हमने बहुत जल्दी ये 20 मिनट्स के अंदर ही इंट्रोडक्शन का सेशन कंप्लीट कर लिया, अगर आप कहें तो मैं आपको क्विज दे दूं। सर क्या चीज दे दे? प्रिलिमिनरी एग्जाम। जी 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 जी। आप कुछ थोड़ी सी ब्रेक करना चाहेंगी? सर मर्जी आपकी, अगर आप करना चाहें तो आई एम ओके विद दिस। ओके, चलें फिर हम कंटिन्यू करते हैं ताकि हम कुछ टाइम बचा लें। लेट मी सेंड यू अ लिंक। ये जी मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगी तो ये आपको एग्जाम पे ले जाएगा। अभी एक मिनट, जरा कुछ प्रॉब्लम है शायद। जी ये आपको लिंक चला गया होगा।
व्हाट्सएप के ऊपर चेक कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। ओके आप कहती हैं तो मैं आपको इधर भी भेज देता हूँ, चैट के अंदर भेज देता हूँ ताकि आप अपने कंप्यूटर से इसको कर सकें। एक मिनट जी, चैट के अंदर भेज दें। अभी आया नहीं मेरे पास। नहीं, व्हाट्सएप पे भी नहीं आया? नहीं व्हाट्सएप पे भी नहीं आया। अच्छा पता नहीं कुछ हेल्ड हुआ है व्हाट्सएप, आई डोंट नो क्या वजह। मैं दोबारा भेजता हूँ आपको। ये मुझे लगता है मेरा कंप्यूटर ओवरलोड हो गया थोड़ा, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं मुझे आया नहीं अभी तक कोई लिंक। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको लॉग आउट करके मैं दोबारा करता हूँ, आप दोबारा लॉग इन हो जाइएगा। जी 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 ठीक है।